है तो चेहरे पे खुशी आ जाती है। ईदी अपनों में बांटी जाती है, अपने छोटों में बांटी जाती है, छोटे खुश हो जाते हैं क्योंकि बड़े उन्हें बांटते। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना कि पूरा शहर जिसे अपना बना लिया जाए और उन्हें ईदी बांटी जाए, कोई भेदभाव ना किया जाए कि उसकी उम्र क्या है, वो बड़ा है या छोटा है। ईदी बांटने वाले खुद बाज़ औक़ात ईदी लेने वाले से छोटे हैं। तो ये पूरी ईदी की जो कहानी है ये असल में नेकी की कहानी है। आज हम जिस जगह मौजूद हैं वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर ईद से पहले ईदी बांटी जा रही है। और ईदी किस तरीके से बांटी जा रही है, कपड़े दिए जा रहे हैं, जूते दिए जा रहे हैं, चूड़ियाँ दी जा रही हैं, मेहंदी दी जा रही है, यानी ईद पे किस तरीके से अच्छे नज़र आ सकते हैं वो ईदी गिफ्ट पहले से दिया जा रहा है। और लोगों के चेहरों पे सिर्फ क्या बिखेर रहे हैं, खुशियाँ बिखेर रहे हैं। शोर भाई आप यहाँ लेकर आए हैं, आप इनके साथ कनेक्टेड भी हैं ज़्यादा। ये ईदी बांटने का जो सिलसिला है, कोई भेदभाव नहीं, कोई ज़बान, कोई रंग, कोई नस्ल, उसका भेदभाव नहीं। जो आ रहा है बस उससे पूछा नहीं जा रहा वो किस तबके का है, क्या है, बस उसे ईदी बांटी जा रही है। और क्या रिटर्न में लिया जा रहा है, सिर्फ मुस्कुराहट है भाई। देखें सबसे पहले तो मैं यहाँ आकर शॉक्ड हो गया कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं और कोई जो है वो आप देखेंगे कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हो रही, लोग आ रहे हैं। अच्छा एक सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई जो है वो यहाँ पर सरकारी सतह पे कुछ नहीं, लोग अपने हैं, अपने मोहल्ले में जानते हैं। जो एक बात कहते हैं ना कि आप सबसे पहले अपने मोहल्ले में ढूंढें, तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि हज़ारों लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि यार हमें लेना है, तो उन्हें पता भी नहीं है कौन है सामने वाला, उसको दिया। और इसके बाद जो है यहाँ पर लोग अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे समझ से आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, इतनी महंगाई में कैसे मुमकिन है। कोई सवाल नहीं कर रहा, सिर्फ क्या हो रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ कि स्टॉल्स पे जो लोग खड़े हैं वॉलंटियर थे, पूरी पूरी अम्मा और उनके बच्चे भी साथ में आए हैं और उन्हें क्या सुबह से लेकर रात हो गई है, इवेंट चल रहा है, वो ईदी तकसीम कर रहे हैं, चीज़ें तकसीम कर रहे हैं, और सिर्फ रिटर्न में क्या पा रहे हैं, खुशियाँ, मुस्कुराहट है। और वो और ये भी नहीं पूछा जा रहा है कि आपकी कमाई कितनी है या आप किसी नंबर पर मैसेज करें, आप आएँ एंट्री करवाएँ और आपको कूपन दिया जाता है। तो मतलब लेकिन ये कूपन के जरिए किस तरीके से ईदी बांट रही है अब आपको वो दिखा देते हैं, आगे लेके चलते हैं और ये ईदी किस तरह तकसीम हो रही है वो सिलसिला पूरा दिखा देते हैं। अच्छा भरपूर नज़म व ज़ब्त का मुजाहरा किया जा रहा है और ये अपनों में ईदी बांटने के लिए भी एक डिसिप्लिन है। ऐसा नहीं है कि बस लोग आ रहे हैं और वो अटैक कर रहे हैं और वो ईदी के तौर पर अपने भी चीज़ें लेके जा रहे हैं। डिसिप्लिन फर्स्ट स्टेप से कैसे लोग आ रहे हैं, वो अपनी एंट्री करवा रहे हैं, एंट्री के बाद उन्हें टिकट दी जाती है, कितने उनके बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने लोग हैं, जिन्हें जो जो सामान चाहिए वो पूरा एक स्लिप पे दर्ज किया जाता है। उसके बाद बाकायदा गेट्स बनाए गए हैं जहाँ से एंट्री होती है, गेट से एंट्री होने के बाद स्टॉल्स हैं, मेरे पीछे भी काफ़ी स्टॉल्स हैं, मेरे सामने भी स्टॉल्स हैं और हर स्टॉल पर उम्र लिखी हुई है। यानी अगर मैं बताऊँ आपको तो मेरे सामने जो स्टॉल है वो 12 से 9 साल की उम्र का है, मेरे आगे जो वो 8 साल से 5 साल की उम्र का है, उससे आगे 4 साल से 1 साल, 1 साल से 4 साल की उम्र का है, इससे पीछे अगर जाएंगे तो वहाँ 9 साल से 12 साल की उम्र तक है। तो यानी हर स्टॉल पे बकायदा ऊपर एज मेंशन कर दी गई है, जेंडर मेंशन कर दिया गया है कि अगर लड़कों का सूट चाहिए, लड़कों की चीज़ें चाहिए इस एज से, यानी 4 साल से 10 साल तक की तो इस काउंटर से मिलेंगे, 12 साल से 15 साल तक की तो इस काउंटर से मिलेंगे। आपने क्या करना है, सिर्फ जाना है, जाके अपनी पर्ची दिखानी है, उस पर पहले से ही लिखा हुआ है कि कौन सा बच्चा किस एज का है और किसके लिए क्या सामान चाहिए। वॉलंटियर्स खड़े हैं और वो बड़े तरीके से, बड़े एहतराम के साथ वो दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करके लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेर रहे हैं। तो ये तरीका है नेकी का, ये तरीका है लोगों की मदद करने का। हम यहाँ पर आए हुए हैं तो हमें एक चूड़ियों का स्टॉल मिला है और यहाँ पर जो है वो ख़वातीन का बहुत रश है। एक खातून हमें मिली हैं जो वॉलंटियरली काम कर रही हैं, पहले उनसे जानते हैं कि कौन है, कैसे यहाँ से जुड़ी और यहाँ कैसे जो है वो चूड़ियाँ मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं ताहिरा सिद्दीकी हूँ और मैं इधर वॉलंटियर काम कर रही हूँ यहाँ पर। और ये मतलब जमात इस्लामी का बहुत बड़ा काम है कि ये ईद की खुशियों में सबको, गरीबों को अपने साथ लेके चल रहे, चूड़ियाँ, जूतियाँ और कपड़े ये सब मुफ्त में बांट रहे हैं। माशाल्लाह इनको बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा इकदाम किया है इन्होंने कि गरीब जो है वो भी ईद मना सके अच्छी सी। अच्छा आप बता रही थी कि आप जमात इस्लामी से अभी कनेक्ट हुई हैं और वॉलंटियरली अलखिदमत का ये काम करी हैं, आप अपने बच्चों को भी लेके आएँ, कैसे जुड़ी हैं आप और बताएँ कि कैसे आप इंस्पायर हुई? बस ये देखें जो अच्छा काम करेंगे हम उनके साथ हैं। लड़कियों को
चूड़ियों का बड़ा शौक होता है और वो चूड़ियाँ उनके सामने आती हैं तो वो कोशिश करती है कि वही सब रख लें। लेकिन यहाँ पर एक बच्ची ऐसी भी है जो वॉलेंटियरली सुबह से बैठी हुई है यहाँ पे और चूड़ियाँ तकसीम कर रही है। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें? पहली बात तो ये कि यहाँ लोगों में चूड़ियाँ बांटना सही है और इतने सारे लोगों के चेहरे पर तुमने खुशी देखी होगी, तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर सब इतने इतने से बच्चे आते हैं और मुझसे चूड़ियाँ मांगते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बस। और मुझे भी चूड़ियाँ बनने का शौक़ है लेकिन छोटे छोटे बच्चों को चूड़ियाँ देख के ना बस एक अच्छी सी फीलिंग आ जाती है और कुछ नहीं। ये चूड़ियाँ देख के तुम्हें नहीं हुआ कि मैं भी पहले पहन लूँ खुद से? लेकिन जिनको ज़रूरत है उनको पहले चूड़ियाँ मिलनी चाहिए ना, उसके बाद मुझे भी अच्छी लगती हैं चूड़ियाँ। सारी बात है, हर लड़की को पसंद आती हैं चूड़ियाँ, तो पहले उनको मिल जाए उसके बाद फिर हम लेंगे। मुझे वैसे तो चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है और क्या कहते हैं बांटने में ना और अच्छा लग रहा है। पहले तो लग रहा था कि ना लोग आएंगे, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरी बड़ी बहन ना पहले भी आई है तो बहुत मज़ा आ रहा है। उससे पहले मुझे बताया था कि इतना मज़ा आया और इतने सारे लोग आए, तो मैंने भी मम्मा को बोला कि ना हम लोग भी आना है मुझे भी, तो मम्मा हम सबको ले आए। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लोग बोल के जा रहे हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, तो मतलब दिल से खुशी हो रही। रमज़ानों के काम में इतना अच्छा काम कर रहे हैं हम। और हमें ये देख के हम यहाँ पे कपड़े लेने नहीं आए, लेकिन हम सिर्फ देखना है कि बच्चों के चेहरों पे जो खुशी है, बच्चे खुश हो रहे हैं, हमें ये देख के बहुत खुशी होती है, तो हम हर साल इस प्रोग्राम को देखने के लिए आते हैं। गिफ्ट्स के तौर पे पूरी पूरी चीज़ें दी जा रही हैं, बाकायदा सूट हर साल के बच्चों के लिए, सूट और चूड़ियाँ, चप्पलें, ये सारी चीज़ें बांटी जा रही हैं। मुझे बहुत रश लगा, आई थॉट कि यहाँ कुछ मतलब कोई स्टॉल वगैरह लगे हुए जिसे लोग नॉर्मली ईद के मौके पर लगा लेते हैं, लेकिन मैं अंदर आई तो यहाँ कुछ भी परचेज़ के लिए नहीं था, तो मैं परेशान हो गई। तो मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये जमात इस्लामी वालों का बचत बाज़ार है और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो मुस्तहकीन हैं उनको चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं उनके एज के अकॉर्डिंगली, उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर ऐसा कोई कॉज यहाँ पर फुलफ़िल किया जा रहा है तो ये एक बहुत अच्छा साइन है और बहुत बड़ी नेकी है कराची के उन लोगों के लिए जो कि बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ दिनों पहले हमें ये बताया गया कि बच्चों के लिए ईद के कपड़े जो हैं वो दिए जाएंगे, और हमें ये था कि ठीक है जिस तरीके से कपड़े दिए जाते हैं लाइन लगा के वैसे दिए जाएंगे, लेकिन हमें बताया गया कि कूपन्स दिए जाएंगे और बाकायदा बाज़ार लगेगा और बच्चे वहाँ जाके शॉपिंग करेंगे और वहाँ एक करेंसी चलेगी और करेंसी हम यहाँ पहले देंगे बच्चों को, और उस करेंसी में जो होंगी ना वो चूड़ियाँ भी होंगी और बच्चे वो करेंसी वहाँ पर जाकर देंगे, प्रॉपर शॉपिंग करेंगे, कोई लाइन वाइन, कोई लाठी चार्ज इस तरह से आमतौर पाकिस्तान में होता है बंटवारा उस तरह से नहीं होगा, और लोग बच्चे खुद इंजॉय भी करेंगे, मुकाबले भी होंगे, तो मतलब इट वाज सरप्राइजिंग हमारे लिए कि ये सब कुछ कैसे हो सकेगा। लेकिन आज हम यहाँ पर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने देखा है कि बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत खूबसूरत सजाया हुआ है, पूरा एक मेले का समय है, एज वाइज बहुत प्रॉपर अंदाज़ के अंदर, इतने अच्छे अंदाज़ में साइंटिफिकली सब चीज़ें यहाँ पर एज वाइज अलग अलग बनी हुई है, बच्चियों के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है, बच्चों के लिए अलग बना हुआ है, और उसके बच्चे आ रहे हैं, इवन उनको चॉइस दी जा रही है कि आप बताएं कि आपको कौन सा जो है ना कलर चाहिए, और बच्चे अपनी चॉइस के लिहाज से बच्चियां जो है ना अपनी पसंद करके लेकर जा रही हैं यहाँ से कपड़े। ये नहीं है कि बस सबको जो दे दिया और दे दिया, तो बच्चे इन्जॉय भी कर रहे हैं और बहुत इज्जत के साथ भी हैं, और लोग जब जा रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही खुशी महसूस करते हुए जा रहे हैं कि जैसे एक सचमुच किसी बाज़ार में आए होते और अपनी जेब से उन्होंने कोई परचेजिंग की होती। एक तरफ तो ये काम जो है अब हम सबके चेहरे देख सकते हैं, इंतहाई कठिन काम था ये कि रोज़े की हालत में हम यहाँ पे, आज हमें तीसरा दिन है कि जिसके अंदर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और तीसरा दिन तो हमें यहाँ पे इस मैदान में है, वरना इससे पहले हम तकरीबन 1.5 महीने से इसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो ये एक पूरा हमारे लिए बहुत मुश्किल एक काम था जो कि रमज़ान में टाइम निकालना और एक रोज़े की हालत में काम करना, लेकिन अल्लाह ताला ही हमें इस चीज़ की जो है वो तौफीक भी देता है कि हम ये काम करते हैं। हम हर साल करते हैं ये वाला काम, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है पहले से कहीं गुना ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया गया। अच्छा, अब हम इस पोजीशन में हैं, अब सब ने निपटा दिया, सब लोगों को हमने उनकी ज़रूरत की चीज़ें दे दी हैं, अब वो मरहला है हम इत्मीनान महसूस करते हैं, हम खुशी महसूस करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमसे ये काम ले लिया, और वो भी रमज़ान के आखिरी अशरे में और अपनी ताक रातों में भी और दूसरी रातों में भी अल्लाह ताला ने हमें सआदत दे दी।
तो एक हदीस सबक हमारे लिए हौसला जो हमें देती है वो ये थी कि जो शख्स बेवाओं यतीमों मिस्कीनों के लिए दौड़ धूप में लगा रहता है तो अल्लाह ताला उसको जिहाद के बराबर जो है अल्लाह ताला उसके अजर लिख देता है उसके नाम अमल। तो हमने जो है रमज़ान के आखिरी अशरे में दरअसल जिहाद के अजर समेटने की नीयत से सारा काम किया। आप इसको ऐसे ही समझें कि आपकी अपनी फैमिली अगर यहाँ पर आके शॉपिंग करना चाहे तो क्या वो पसंद करेगी कि उसको किसी मौके पर धक्के मिलें? क्या वो पसंद करेगी कि उसको ऐसी जगह बैठना पड़े जहाँ अंधेरा हो, पसीना आ रहा हो उसके लिए? क्या वो पसंद करेगी कि उसके बच्चे आए उनके बच्चों के लिए कोई तवाज़ो का एहतमाम ना हो, कोई इंटरटेनमेंट ना हो? जब हम अपनी अपनी फैमिलीज़ के लिए जो चीज़ चाहते हैं तो हम उन लोगों के लिए ऐसा क्यों ना चाहें जो कि जिनको अल्लाह ताला ने खुद इस काबिल नहीं किया कि अपने लिए वो वसाइल मुहैया करें, और अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल कर दिया अपनी रहमत से कि हम उनके लिए जद्दोजहद करें और वसाइल मुहैया कर लें। तो सबसे पहला जो हमारा फलसफा है वो ये है कि हम उनके लिए बिल्कुल वैसे ही तसव्वुर करें, वही वैसे ही सोचें जैसे हम अपने ख़ानदान के बच्चों के लिए सोचते हैं। ये पहली हमारी सब चीज़ है। जब हम ये सोच के आगे चलते हैं तो हम पहले मरहले पर ये बात कहते हैं कि दरअसल ये आने वाला हर शख्स कोई फ़कीर, कोई मोहताज, कोई मांगने वाला नहीं, हमारा मेहमान है। इसलिए हमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हमने बिल्कुल एक आप किसी अच्छी वेडिंग सेरेमनी के तौर पे जो हम अरेंजमेंट कर सकते हैं आप देखेंगे हमने बिल्कुल वैसे ही अरेंजमेंट यहाँ पर किए। तो बस खाने का हम इंतजाम नहीं कर सके, आप जानते हैं कि वही मुश्किल मरहला है, इंशाल्लाह वक्त आएगा वो भी करेंगे, लेकिन हमने अपने तौर पर कोई कसर नहीं छोड़ी कि आने वाले बच्चे चाहे किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों हम उनको अपने इंगेज ना करें या उनको ये लगे कि ये प्रोग्राम उनके लिए नहीं है, किसी भी मरहले पर उनको ये ना लगे कि उनको जो है लेफ्ट आउट कर दिया गया है। तो ये हमारी सबसे बड़ी, और इसके लिए हमारी इससे पहले जितने मरहलों पे ट्रेनिंग होती रही है हर मरहले पे, तो सबसे पहली चीज़ जो कही गई है वो कही गई है कि चाहे हम कम लोगों को दें चाहे हम ज़्यादा लोगों को ले, किसी की इज्जत नफ्स जो है वो मजरूह नहीं होनी चाहिए, किसी को धक्के नहीं लगने चाहिए यहाँ पे, ये हमारी ख्वाहिश होती है। लेकिन इस दफ़ा हम जैसे आपने सवाल पूछा मैं उसका जवाब दूँ, पिछले साल हमने तकरीबन 6,000 बच्चों को यहाँ से कपड़े फराम किए, इस साल इस वक्त हम 10,000 बच्चों को जो है कपड़े फराम कर चुके हैं और बस आखिर जो इस वक्त चल रहा है। तो आप ये समझें कि ऑलमोस्ट 60% जो है इंक्रीज़ था इस दफ़ा हमारे रिसोर्सेज के अंदर भी, हमारे एफ़र्ट्स के अंदर भी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जो है ये वसीला बना दिया। अगर हम इसको इंकसारी के साथ करने के काबिल होंगे तो अल्लाह ताला और तौफीक देंगे, अगर हमने यहाँ पे लोगों को झड़कना शुरू कर दिया, बदतमीजियाँ शुरू कर दी, तो अल्लाह ताला ये तौफीक हमसे छीन लेंगे और अल्लाह ताला हमसे बेहतर लोगों को मौका देंगे। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। नारे तकबीर अल्लाह।